ये है मेहुल चौकसी, भारतीय बिजनेसमैन जो थे इंटरपोल लिस्ट पर। इस लिस्ट की वजह से एक शख्स वांटेड लिस्ट में आ जाता है ग्लोबली, लेकिन अब इन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया है। क्यों और इन पर क्या चार्जेस हैं, एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। फर्स्ट, मेहुल चौकसी कौन है? एक इंडियन बिजनेसमैन एंड द ओनर ऑफ गीतांजलि ग्रुप, जो कि एक रिटेल ज्वेलरी फर्म थी। चौकसी पर आरोप क्या है? वो मल्टी करोड़ पंजाब नेशनल बैंक स्कैम का प्राइम अक्यूज्ड है। स्कैम? कैसा स्कैम? 13,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड विद PNB। चौकसी गॉट फ्रॉडुलेंट लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग और LOUs। अब LOU एक गारंटी होती है जो एक बैंक इशू करता है जब उसका कस्टमर किसी और बैंक की फॉरेन ब्रांच से लोन लेता है। कंफ्यूज मत होइएगा, बेसिकली ये बैंक की गारंटी होती है, लेकिन ये LOUs इशू की गई विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी। उधर फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट यानी FLC भी इशू की गई, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। Now, this was done when he wasn't even credit worthy. ये स्कैम PNB employees पर भी उंगलियां उठाता है। अब लेटेस्ट क्या है? मेहुल चौकसी को 2018 में CBI की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल की रेड लिस्ट में डाला गया था, क्योंकि वो उस साल जनवरी में एंटीगुआ एंड बाबूडा की सिटीजनशिप लेकर इंडिया से भाग गया था। अब रेड लिस्ट से हटाया कैसे गया? इंटरपोल इज येट टू मेक एन ऑफिशियल कॉमेंट ऑन दिस मैटर, लेकिन कई न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने सोर्सेस को साइट करते हुए मेंशन किया कि रिसेंटली फाइल्ड अ पिटिशन इन द एंटीगुआ हाई कोर्ट। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट और दो इंडियन एजेंट्स ने उन्हें एंटीगुआ से किडनैप कराया एंड फोर्सिबली टुक हिम टू द डोमिनिकन रिपब्लिक इन जून 2021। दिस माइट हैव वर्क्ड फॉर हिम इन हिज फेवर।